गर्मा गर्म मोमो खाया जा रहा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मोमो। तो इसके लिए मैंने ये 100 ग्राम चिकन लिया है। इसे हम अभी ब्लेंडर में अच्छी तरह से पेस्ट एक बनाएंगे चिकन का। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन इस तरीके से हो गए हैं। ये अच्छा से एक पेस्ट हो गया है। तो ये अब हमारा चिकन मोमो के लिए तैयार है। इसे हम मसाला में भुनेंगे। ये देखिए एकदम बारीक सा पेस्ट बना। हम मोमो के लिए आटा तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है, जिसमें हम एक कप मैदा जो छान लेंगे अच्छी तरीके से। अब हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक देंगे थोड़ा सा, और ये जो नॉर्मल पानी से हम इसे धीरे धीरे गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और इसमें भरने के लिए अभी हम ये चिकन को तैयार करते हैं। हमने अब गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये हमने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है इसमें। पैन हमारा गर्म नहीं हुआ है। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, इसके बाद ये कटी हुई हरी मिर्च, इसके बाद ये हरा कटा हुआ प्याज। ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। इसे आप ऐड कर देंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक देंगे। हमारा चिकन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसीलिए हमने इसके अंदर का जो मसाला है वो भी कम क्वांटिटी में ही डालेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, 1/4 टी स्पून अनियन और अदरक का पेस्ट, इसे हम अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद ये जो हमने चिकन को पेस्ट बना के रखा था, इसे अब डाल देंगे इसमें। डालने के बाद ये गरम मसाला इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे। तो इसे अभी हम लो आँच में, मतलब धीमी आँच में 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। आँच हमारा धीमा है, इसे 10 मिनट तक पकने देते हैं। ये हम देखिए करीब बन के तैयार हो गया है। ये चिकन भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है देखिए। तो ये हमारा बन गया अंदर का मसाला। तो इसे अभी हम ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा होने के बाद ही अंदर डाल सकते हैं मोमो बनाते समय। तो इसे हम ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम आटे को
छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इसे इस तरीके से छोटी छोटी रोटी जैसे बनाते हैं उसी तरह का इसे हम बेल लेंगे इस तरीके से। जितना पतला हो सकता है इसे पतला, साइड वाले तो बहुत पतले भी बनाना है। हम जैसे पूरी बेलते हैं इस तरीके से एकदम पतले पतले। तो ये देखिए हमने ये सारा जो आटा है इसे हमने बेल के तैयार कर लिया है इसे छोटे छोटे पतले साइज में। ये हमारा ये भरने वाला है। चलिए अब हम भरने के लिए शुरू कर देते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, अलग अलग साइज बड़ा भी है कोई छोटा भी है। तो चलिए इसे अभी हम गैस पर चलाते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें कुकर चढ़ाया है, कुकर में पानी डाल दिया है और इसमें ये कटोरी इसमें हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। इसमें हम अभी मोमो डालते हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। इसका स्विसल भी हटा दिया है, इसका गैसकेट भी हटा दिया है। तो अब हम इसे स्टीम होने हमारा मोमो कैसे बन के तैयार हुआ है। परफेक्ट बन गया है। तो इसे हम अभी धीरे धीरे उतारते हैं। ये देखिए हमारा मोमो बन के तैयार हो गया है। मोमो कैसा रहा? बहुत ज्यादा टेस्टी। बहुत ज्यादा टेस्टी। ठंडी का मौसम है मतलब ब्लैंकेट में गर्मा गर्म मोमो खाया जा रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी। थैंक यू।